नमस्कार दोस्तों, द मॉरल एजुकेशन के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर या किसी भी लोक सेवक भी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे देश का कानून क्या कहता है, सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। यह वीडियो इसलिए भी हम बना रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हमारे जो कपल हैं शादी करने के बाद जब थाने में जाते हैं तो उनके साथ बहुत बदतमीजी होती है, या जब कोई ऑफिसर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है या अन्य तरीके से परेशान करता है, तो उस वक्त हम चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करें। तो क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारत का संविधान है, संविधान की अगर हम बात करें, संविधान हमें यह अधिकार देता है कि आर्टिकल 21 के तहत सभी व्यक्तियों को लिबर्टी है कि वह अपनी प्राइवेसी के लिए, यानी कि वो अपनी प्राइवेसी जो कि उनकी निजता है उसका हनन ना हो, यह अधिकार आर्टिकल 21 देता है। उसका जैसे एक आम व्यक्ति का है अधिकार है, वैसे ही एक पुलिस अधिकारी का भी अधिकार है, लोक सेवक का भी अधिकार है, जो हनन नहीं होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप किसी का वीडियो बनाते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे तो उसकी क्या निजता नष्ट हो सकती है, यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न इसलिए भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हो या कोई भी लोक सेवक हो, अगर वह अपनी ड्यूटी कर रहा है तो क्या वो निजता और प्राइवेट के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होता है नहीं, वह निजता और प्राइवेसी के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि उस वक्त जब एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है तो किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है कि उस वक्त अगर कोई वीडियो बना ले तो उसकी प्राइवेसी को हनन हो जाए। तो एक बात तो यह है कि आप आर्टिकल 21 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो स्वाभाविक है वह वीडियो आप इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है जो इलीगल है, जो गलत है, और आपको यह डर है कि कुछ इलीगल ना हो जाए, इसलिए आप वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको आपको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि आप एक तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरीके से आप ऐसे व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार को या गलत चीजों को उजागर करने का काम करता है। तो आपके लिए तो इसके लिए शाबाशी मिलना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वहीं पर एक सेक्शन आ जाता है जो आईपीसी का सेक्शन है, वह 253 353 है, और जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा है वह 132 में दिया गया है। जो पुरानी थी उसमें 353 में दिया गया था और नई भारतीय दंड संहिता है उसमें 132 में दिया गया है, जो कहती है कि लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भयपूर्ण, भरोपूर्ण या भयपूर्ण या भय उत्पन्न करने के लिए हमला या आप आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तब आप नई भारतीय संहिता 132 और पुरानी आईपीसी 353 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो आप भयपूर्ण तो वीडियो बनाएंगे नहीं, यानी कि अगर आप ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिसर को आप वीडियो बनाते हैं तो उसकी ड्यूटी को परफॉर्म करने से रोकते हैं या ड्यूटी करने में बाधा डालते हो या भय हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हो तो आप अपनी आईपीसी सेक्शन 353 के तहत आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, जिसके तहत आपको 2 साल की सजा या फाइन हो सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, साधारण सी वीडियो बनाते हो, तो आप उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है
कि अगर आप ऑनलाइन पुलिस ऑफिसर, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर या फिर किसी भी सेवा ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहे हैं, शासकीय सेवा में है, का वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो, तो क्या आपको माना जाएगा कि आप आईपीसी के सेक्शन 353 के तहत वाकई पुलिस को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से हमला या आपराधिक बल के प्रयोग करके रोका जा रहा है? तो आंसर होगा, आपने मात्र वीडियो रिकॉर्ड की है। किसी भी प्रकार का हमला या आपराधिक बल यदि नहीं किया है तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वह गलत नहीं होगा। मान लीजिए कि एक पुलिस ऑफिसर या कोई भी लोक सेवक है और अपने चैम्बर में बैठकर बात कर रहे हैं, किसी को जो कंप्लेंट आई है, कंप्लेंटर को उसके साथ बैठे हैं और वह उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह किसी को समझा रहे हैं या अन्य कोई कार्य कर रहे हैं, और आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें बाधा उत्पन्न हो। पुनः कहते हैं, यदि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे उन्हें बाधा उत्पन्न हो, या आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो आप, ठीक है ना, तो आप डेफिनेटली उस अधिकारी को या फिर संविधान की धारा को, आईपीसी की धारा को आप उल्लंघन कर रहे हो, ड्यूटी करने से रोक रहे हो। इस स्थिति में आपके खिलाफ केस लग सकता है, 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन आप बात करने के लिए गए, एक जनरल सी बातचीत है, ठीक है ना, और कंप्लेंटर है जो चाहता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो, जो शिकायत करता है वह चाहता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो, तो पुलिस रोक नहीं सकती है। शिकायत करता यदि अपनी मर्जी से चाहता है कि वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो पुलिस रोक नहीं सकती है वीडियो को रिकॉर्ड करने से, क्योंकि कंप्लेंटर का निर्णय है कि रिकॉर्डिंग होना चाहिए। वीडियो रिकॉर्ड होने से कंप्लेंटर अपने बारे में यदि वह बता रहा है और किसी प्रकार की उसे परेशानी नहीं है, पुलिस वीडियो रिकॉर्ड करने से रोक नहीं सकती है, क्योंकि आप वैसे देखते हैं तो हर थाने में अब ये कंफर्म हो गया है, कंपलसरी हो गया है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए और उसमें रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिस केस में कंप्लेंटर नहीं चाहता, या फिर कुछ केस ऐसे हैं जिनमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना गलत है, वह महिलाओं से संबंधित केस हैं, जैसे बलात्कार आदि केस हैं, तो आप ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को अगर आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ महिलाओं और बलात्कारों के केस को छोड़कर। ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि, पुनः कहते हैं, बशर्ते कि आप उनको उनकी ड्यूटी करने के, परफॉर्म करने से ना रोक रहे हों, आप ऐसा कुछ ना कर रहे हों जिससे कि वह अपना काम सुचारू रूप से ना कर पाए। अगर आपको लगता है कि कोई बदतमीजी हो रही है, आपको कुछ गलत लगता है कि वहां पर एविडेंस या डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, जहां पर पैसे की मांग की जा सकती है, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई भी आपको रिकॉर्डिंग करने से रोक नहीं सकता है। आप आईपीसी की धारा का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं जिसमें लिखा है कि किसी भी लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भय उत्पन्न करने के लिए, जो कर्तव्य कर रहा है उसको भय उत्पन्न करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मात्र वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यह कानूनी, यह गैर कानूनी नहीं है, यह कानून में आता है। तो आप ऐसे काम करके भ्रष्टाचार रोकने वाले की तरह आप किसी गलत चीज को उजागर करने के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें। हम इसी प्रकार की टॉपिक से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, साथ ही हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित वीडियो चैनल पर डालते हैं। किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए यदि आप चाहते हैं
किसी भी प्रकार की जानकारी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे अन्य प्लेटफॉर्म की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, आप हमसे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।